सो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑल इंडिया वैकेंसीज आउट हो चुके हैं, जहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं है, बिल्कुल आपके यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फीमेल की वैकेंसीज भी आई है, मेल की भी आई है, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज आई है। परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब आपके ये रहने वाली है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली इन वैकेंसीज में एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं डिटेल में समझाऊंगी, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी इसमें कैसे होने वाली है, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर से देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ। वाटर डिपार्टमेंट की परमानेंटली वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी इसमें कैसे होने वाली है। सो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए, बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की नई वैकेंसीज आई हैं। हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके चेक कर लेना। जितनी भी वैकेंसी आई आप उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। हमारी साइट को सीधा गूगल पर लिखें, meetacademy.in, आपको पहले नंबर पर साइट जो है वो मिल जाती है, ठीक है। फिलहाल बात करें यहाँ वाटर डिपार्टमेंट की नई वैकेंसीज के बारे में। वाटर डिपार्टमेंट के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, ठीक है, वो भी ऑल इंडिया का ही है और परमानेंट जॉब है वो भी आपकी। दोनों का एक एक करके बात करेंगे, पहले वाटर डिपार्टमेंट का, देन सेकंड जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस के भी नई वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और रेलवे के भी, वो दोनों वीडियोस इसके बाद आएंगे हमारे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में टाइप करना मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पर चैनल मिल जाता है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करें लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज पहला नोटिफिकेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका वाटर डिपार्टमेंट का है। अगेन रिपीट करूँगी, आप इंडिया में किसी भी लोकेशन, किसी भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन से बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। हर क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज आई है। अप्लाई मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, कोई भी अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। यहाँ पे आपको विद इन 30 डेज अप्लाई कर लेना होगा। सैलरी की फर्स्ट नोटिफिकेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वाटर डिपार्टमेंट का सेकंड जो आया है ना, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, वो भी बताऊंगी आगे, ठीक है। अब ये वाटर डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी जो सैलरी है 24,000 है, परमानेंट आपके लिए जॉब है। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, अलग अलग कैटेगरी की है, वो आप नोटिफिकेशन पे चेक कर लेना। यहाँ पे हम वैकेंसीज के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट देखने को मिलती है, वो है आपके यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर पोस्ट के बारे में बात करें, MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ की है, सेमी स्किल्ड के लिए 10th पास एलिजिबल है। अगेन यहाँ पे सेम पोस्ट है, MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ की, 10th पास दोनों के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इवन यहाँ 12th पास और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं MTS के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगेन यहाँ वैकेंसीज है, पहले यहाँ पे स्किल्ड की है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन आपने की हुई है और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप अप्लाई इस पोस्ट के लिए डेफिनेटली करना, परमानेंट आपकी ये जॉब है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में बात करें, एग्जाम आपका नहीं है यहाँ पे, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की डेफिनेटली एप्लीकेबल है, नोटिफिकेशन पे चेक करना, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें सिलेक्शन कैसे होनी है, यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है इंटरव्यू पे डायरेक्टली, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है आपकी, ठीक है। एज यहाँ पे मिनिमम 18 आप अप्लाई करें, मैक्सिमम डिस्क्राइब तो नहीं किया, बट अगर आपकी अप टू 40 के अराउंड भी है, ठीक है, तो आप अप्लाई यहाँ कर लेना। 10th 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉपरली गाइड किया गया कैसे अप्लाई करना, ये अप्लाई का लिंक है, ये सेकेंड
आपको नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मिल जाता है। नोटिफिकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करके आप इन वैकेंसीज में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला डिपार्टमेंट। अब सेकेंड जो डिपार्टमेंट है वो भी आपका आया हुआ है सेंटर का, ठीक है, वो भी आपकी ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही आपकी जो है वो रहने वाली है। इन जो वो वैकेंसीज हैं उसके लिए ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का है। अगर यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, 6300+ वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है ऑल इंडिया के लिए, जहाँ पे आप ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, विलेज है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये वाली जो वैकेंसीज है सेकेंड नोटिफिकेशन वाली, ये आपकी आउट की गई है क्लर्क की पोजिशन के लिए और बैंक के अंडर, ठीक है, आईपीएस बैंक ने आईपीएस के अंडर ये आउट हुई है। अलग अलग बैंक के लिए हायरिंग है क्लर्क के लिए, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो और जहाँ पे मैंने आपको इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न बताया, क्योंकि इसमें एग्जाम डेफिनेटली आपका है, इंटरव्यू कोई नहीं है, ठीक है, एग्जाम है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है, इसकी मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको हमारे ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगी, उसको आप चेक कर लेना, देन आप अप्लाई कर लेना। वाटर डिपार्टमेंट के लिए फटाफट जाके आप अप्लाई करना, अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया तो जल्दी जाके अप्लाई कर लेना। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, चाहे वाटर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, चाहे मैंने जो आपको आईयूपीएस का बताया उसके रिगार्डिंग है, वो आपने मुझे कमेंट जरूर करना, हमारी टीम बैठी है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेट कर लेना। दो काम जरूर करना, पहला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सेकंड चीज, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट करना, ताकि आपके नियर जो भी पोस्ट आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। आपने इस अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अवेयर हो, वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। होता है कैंडिडेट को कई बार नहीं पता चल पाता वैकेंसीज आई है, तो फटाफट उनके साथ शेयर करना, ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।